Johar, Kiran Rao were part of a discussion at the Jio MAMI 18th Mumbai Film Festival, which aimed at encouraging the various artists in the film industry. पिछले साल जो हमारे फिक्रें थी कि कर पाएंगे, पैसे होंगे कि नहीं, कितना बड़ा कर सकते हैं, हमने कभी किया नहीं था. वो एक बार करके इनिशियल वो सारे जो प्रॉब्लम्स थे हम समझ गए और इस साल वो हमारे लिए समस्याएं नहीं थी. लेकिन हम जैसे अनु ने कहा, हम और बड़ा सोच रहे हैं, हमको पूरे साल कुछ करना है. हमारे आप सबको पता है शहर में वेन्यूज़ इतने हैं नहीं जहां हम लोग बहुत सारे जो हम करना चाहते हैं कर सकें. स्क्रीनिंग्स हम हर महीने कुछ ना कुछ मामी फिल्म क्लब के ज़रिए करना चाहते हैं. तो इस तरह से हम धीरे धीरे अपना एक रास्ता ढूंढ रहे हैं. जैसे यू नो हम लोग इस जर्नी में निकल पड़े हैं तो हर मोड़ पे कुछ नया मिलता है. लेकिन हमने विजन एक बना लिया है, हमने एक सपना देख लिया है कि इसको मजबूत बनाना है, इसको एक इंस्टीट्यूशन बनानी है जिससे सिनेमा कल्चर इस शहर में मजबूत हो, मोर रोबस्ट, मोर डायनामिक, सबको इंक्लूड करे. और इसमें तो कठिनाई आएंगी. तो नहीं, मेरी फिल्में देखी, आपको लगता है कि मैं कोई भी फिल्म फेस्टिवल गया हूँ? तो मेरी ज्यादा मेमोरीज नहीं है मामी की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मेमोरीज अभी बन जाएं. और जैसे कि दिवाकर ने पहले ही कहा था कि यू नो वो इन्होंने इनकी कंट्रीब्यूशन इस फेस्टिवल में कम है, तो हमारा क्या है कि ये शुरुआत हुई है, ये सफ़र शुरू हुआ है. और जिस तरह की रिलेंटलेस एनर्जी किरण और अनु और स्मृति में है, वो चाहते कि वो थोड़ा बहुत वो पैशन मुझ में भी चला जाए और मैं ये सारे खूबसूरत फिल्में देख लूँ मामी द्वारा, और ताकि मैं भी कुछ सीख लूँ, ताकि मैं भी ये जैसे अनुपमा चोपड़ा के मुझे भी 4 स्टार्स मिल जाए, और किरण राव भी मेरी पिक्चर 3 बार देख लें और फूट फूट के रोए जब कुछ नहीं हो रहा हो फिल्म में. तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी मी में फिल्में बनाऊँ ताकि आई कैन मेक जोया अख्तर प्राउड ऑफ मी वन डे. मैं एक्चुअली अभी टोरंटो से आया था और मैं बहुत एक्साइटेड था वहाँ की भी सिलेक्शन देख के. लेकिन जब मैंने यहाँ की सिलेक्शन देखी तो आई हैव टू से आज इज इवन बेटर देन दिस. एंड आई हैव टू से कि कोंकणा की फिल्म मैं देखना चाहता हूँ, वहाँ भी बहुत बस था. एंड आई थिंक जो सिलेक्शन जो आई थिंक किरण और अनु और स्मृति सब पूरी टीम ने आई थिंक बहुत ही, बिकॉज दे आर फिल्म लवर्स, दे आर फिल्म फैंस, सो ऑब्वियसली जाहिर है कि उनकी जो एस्थेटिक फिल्म एस्थेटिक भी आ चुकी है सिलेक्शन में. एंड बट आई हैव टू से जस्ट अ मेंबर ऑफ द फ्रेटर्निटी, आई एम सो एक्साइटेड टू सी कोंकणा'स फिल्म, आई कांट वेट टू सी इट. आई थिंक दैट इज आवर बिगेस्ट गोल, वी वॉन्ट टू सर्व द फिल्म गोइंग ऑडियंस. हमने रजिस्ट्रेशन फी सबसे कम रखा है, एज लिटिल एज वी कुड, ताकि और लोग आए. बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करने की बड़ी कोशिश है हमारी, ताकि अच्छी फिल्में कम उम्र से ही बच्चों को देखने मिले. और सारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो वी विल बी अनवेलिंग धीरे धीरे इस महीने में, हम बताएंगे आपको. सब अभी फॉर्म अप हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारी नई चीज़ें भी हो रही हैं. जैसे अनु ने कहा, वी आर डूइंग दिस बुक टू स्क्रीन अवार्ड, ताकि कंटेंट क्रिएटर्स को भी उनकी जगह मिले और कंटेंट प्रोड्यूसर्स को नए सोर्सेज मिले टू गेट न्यू स्टफ. सो दैट्स द बिग विजन. डेफिनेटली इज वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल्स दैट वी हैव दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड मामी इज ग्रोइंग, मामी इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग. हमें मालूम है कि अंदर क्या करने की कोशिश हो रही है लगातार, और कितनी जगह दरवाजे पे अनु और किरण और सब लोग, स्मृति, सब लोग खटखटाते रहते हैं 24 घंटे. हम लोग चाहते हैं एक्सपीरियंस को और बढ़ाएं. देयर इज अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, बिकॉज कई बार होता है जब आप फेस्टिवल जब रेपुटेशन में ग्रो करता है, सडनली आपको पता चलता है सिलेक्शन से, जूरी से, लोग कैसे आना चाहते हैं. और आप देखो वो कॉन्स्टेंटली हर साल बर साल जो है बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं. तो वो एक जर्नी है, हम लोग उस जर्नी में अभी हम लोग आई थिंक समवेयर हाफ वे थ्रू है. अभी बहुत लंबी जर्नी और करनी है, बट इंटेंशन जितना स्ट्रांग है टू मेक अ वर्ल्ड क्लास फेस्टिवल, वो मैंने जो है यहाँ जितना देखा है जितना पैशन के साथ, वो बहुत कम देखने को मिलता है. चैलेंजेस तो बहुत होंगे क्योंकि हमारे एम्बिशंस बहुत बड़े हैं. तो हम जो हमारी टीम है, किरण, स्मृति, मैं, हमारा जो ये बोर्ड है, एक्चुअली वी आर नॉट, एट लीस्ट द 3 of us, हम लोग फेस्टिवल क्यूरेटर्स नहीं है, दैट्स नॉट आ फर्स्ट जॉब. मैं और स्मृति जर्नलिस्ट हैं, किरण इज़ अ फिल्म मेकर. तो जब हमने
ये फेस्टिवल्स की रेंज सॉर्ट ऑफ वी टुक ओवर. हमको एक्चुअली कुछ आइडिया ही नहीं था करना क्या है. सो पहले साल हमने धीरे धीरे सीखा कि कैसे करना है फेस्टिवल, बट फिर हमें चैन नहीं है ना, तो उस फेस्टिवल को फिर और बड़ा करना है, और फिल्में लानी है, और गेस्ट लाने हैं. तो देखिए, मुश्किलें तो हर मोड़ पे आती हैं, लेकिन व्हाट इज़ रियली हार्टनिंग इस साल वो स्पेशली द फैक्ट कि जियो और स्टार जो हमारे मेन स्पॉन्सर्स हैं, टाइटल स्पॉन्सर जियो और स्टार, दे बोथ स्टेड ऑन. तो इस साल द बिगेस्ट इशू जो पैसा होता है वॉज नॉट एन इशू फॉर अस, क्योंकि हमको पता था कि एटलीस्ट वी कैन गेट अ टीम. हमारे मेन पार्टनर्स हमारे साथ हैं और हम एक टीम हायर कर सकते हैं. नहीं तो जब शुरुआत हुई तो हम तीन थे और एक लैपटॉप था.